बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमार होए। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। भजमन श्री वृंदावन कुंज विहार नित विलास, ए राखो तुम दिल में सुमर कर विश्वास, सुमरो कर विश्वास सखी भाव होए भजियो। अक्षरति धामधनी स्वयं हमारे लक्ष्मण सेठ जी जिसके अंदर यहाँ पे लालदास जी के अंदर बैठते हुए, अब धामधनी यहाँ वितक के माध्यम से हमें कुछ समझाने जा रहे हैं। भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष में हम ये देखते हैं कि हर कोई यहाँ पे किसी ना किसी आधार पे सुख चाहता है या मुक्ति चाहता है। हम ये देखने को मिलता है कि कुंभ के मेले में कईयों लोग हरिद्वार के मेले में जाते हैं और उस गंगा में स्नान करते हैं। कारण सिर्फ इतना है कि उनको अपने पापों से मुक्ति चाहिए। एक अज्ञानता बस हो या आंतरिक एक चेतना का एक इच्छा, ये इच्छा ही उनको वहाँ तक ले जाते हुए वो कार्य करवा रही है। उनका कार्य के और इच्छा का ये मूल कारण है कि उनको वो परम सत्य की इच्छा है और उनको उस परम धाम की, उस ब्रह्म आत्माओं के जैसे ही आनंद और सुख की इच्छा है। लेकिन अज्ञानता होने के कारण आज वो दर बदर भटकते हैं, आज वो शास्त्र में माथा फोड़ते हैं, वो अनेकों साधना करना चाहते हैं और उस साधना पथ में पता ना होने के कारण वो आज उस परमात्मा के उस रास्ते पे चल नहीं पाते। आज धनी श्री देवचंद्र जी, जो आज सिर्फ देवचंद्र जी के नाम से पुकारे जाते हैं, उनको पहला दर्शन उस कक्ष जाते समय रेगिस्तान में हो गया था। अब दूसरा दर्शन जिस प्रकार से होने वाला है यहाँ पे, उसका कारण किस प्रकार से बन रहा है वो यहाँ पे बताया गया है। शुरुआत में भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, जब उनको ये मंत्र दिया जाता है, कल ही हमने कहा कि मन जो हम मंत्र लेते हैं, मन के अंदर वो मंत्र का मनन करने के बाद ही उस मंत्र का सार्थकता होती है, तब जाकर उस मंत्र की शक्ति हमारे मन के अंदर कार्य करने लगती है। उसी प्रकार आज देवचंद्र जी इस मंत्र को लेकर अब घर की तरफ चलते हैं और जब घर की तरफ वो जाने लगते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पे उनके शादी के लिए तैयारी हो चुकी है। वहाँ पे उनके पिता रोने और पीटने लगते हैं, तब उनको ये कह देते हैं कि मेरी जो आत्म है उनका प्रीतम के साथ मैंने शादी कर लिया है, लेकिन फिर भी एक माँ है और पिताजी की जो इच्छा है उनके पूर्णतया दबाव के कारण अब वो शादी कर लेते। फिर भी जब भी वो गृहस्थ के अंदर प्रवेश भी हो चुके हैं, ये बात हमने कल भी कर लिया था, लेकिन अब गृहस्थ में प्रवेश होने के बाद वो क्या करते हैं वो मायने रखता है। जीवन में हर कोई गृहस्थ में प्रवेश करता है, हर कोई, ज़्यादातर मनुष्य 25 साल होने के बाद वो शादी की स्थिति में आ जाता है और वो शादी कर लेता है। लेकिन शादी करने के बाद वो क्या करता है, उस परमात्मा के लिए वो कितना समय निकालता है और कितना वो स्वाध्याय और ध्यान करता है, वो अब देवचंद्र यहाँ पे दिखा रहे हैं। और वो जो गुरु है हरिदास जी, वहाँ पे कब तक जाते, वहाँ यहाँ लिखा हुआ है कि वो सिर्फ 3 घंटे के लिए रात में अपने घर में
पहुंचते हैं और स्वयं सुबह के 3 बजे फिर से मंदिर की ओर चल देते है, तो वो भी गृहस्थ में हो है, तो वो भी एक मनुष्य तन पे ही। लेकिन हम जो मनुष्य तन के अंदर हैं और हम खुद को जो ब्रह्म आत्मा कहते हैं, उनको इस जीवनी को देखकर एक सीख लेना चाहिए कि हम ये क्या क्यों कहते हैं कि हम गृहस्थ में रहने के बाद हमें उस परमात्मा से मिलने के लिए समय नहीं मिलता। हम ये क्यों कहते हैं कि हमारे पास ध्यान करने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता। लेकिन वो देवचंद्र जी हैं जिनके अंदर घर में रहने के लिए समय नहीं है, लेकिन हाँ उस परमात्मा को पाने के प्यास वो मिटा नहीं सकते। उनको पाने के लिए वो दर बदर भटक रहे हैं, और वो किसके कारण और किसके लिए? सिर्फ उस ब्रह्म मुनियों के लिए जो उनके बाद में आने वाली है, और उनके जो पथ प्रदर्शक होने वाला है उनके पथ में वो ब्रह्म सृष्टियाँ चलेंगे। इसलिए राजी उन सखियों को, उन श्यामा जी को जो सिरदार है सखियों में, उनको इतना कष्ट दे रहे। देवचंद्र जी कौन है यदि हम यहाँ पे अभी इस शुरुआत में, जब हम मारवाड़ में उमरकोट के गांव पे जब देवचंद्र जी ने जन्म लिया था उस समय की बात है। वहाँ पे कहा जाता है कि वो त्रिदेव है जो ब्रह्मा विष्णु और महेश है, वो भी अब खुश होते हैं। खुश क्यों होते हैं वो लोग? क्या त्रिदेव के पास वैकुंठ की वो खुशी नहीं है? लेकिन जो मनुष्य आज उस वैकुंठ का सुख चाहता है, वो त्रिदेव भी आज उस निराकार से परे, उस अक्षरधाम से परे, उस परम धाम की, उस ब्रह्म सृष्टियों का सुख चाहते। इसीलिए आज उनको लगा कि जो उन्होंने तपस्या किया था उन तपस्या का फल आज मिल रहा है, और हम भी इस जो 14 लोक का ब्रह्मांड है उससे मुक्त हो जाएंगे। तो इस कारण से अब शास्त्रों में क्या किस प्रकार से हमें बताया गया है कि वो स्वयं श्यामा जी और स्वयं उस ब्रह्म आत्मा किस प्रकार है। देवापि संतनु भ्राता मरुश्चेच्छा कुवंशजः कलाप ग्राम आशा ते महायोग बलान्वित। यहाँ पे कहा जा रहा है शास्त्र के माध्यम से कि वहाँ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा हैं। देवापि भी एक जीव है जो तपस्या कहाँ पे कर रहा है, वो एक हिमालय की चोटी में जाकर वहाँ पे पूर्णतया विष्णु भगवान को रिझाने के लिए वो तपस्या कर रहे हैं। और उसी प्रकार से मरु जो सूर्यवंशी राजा के ग्रुप में आते हैं वो भी वहाँ पे तप कर रहे हैं, और दोनों जब विष्णु भगवान को खुश बना देते हैं तब वहाँ पे आदिनारायण प्रकट होते हैं और उनको इच्छा मांगते हैं, कहते हैं कि तुझे क्या वर चाहिए। अब वो योगी हैं, उनको भविष्य के विषय में थोड़ा सा संकेत है, तब वो ये कहते हैं कि जो कलयुग में वो परमात्मा आने वाले हैं वो परमात्मा स्वयं मेरे तन के अंदर लीला करे। लेकिन अब आदिनारायण जी सोचते हैं और जो संकेत उनको भी मिला हुआ है उनको तक पता नहीं कि वो परमात्मा कहाँ है और कैसा है। वो भी आदिनारायण एक शेष सैया पर सोकर ध्यान लीला में मग्न होते, तो वो भी वरदान देने के बाद तब जाकर वो देवापि और वो मरु जो जीव हैं अब जाकर इस सृष्टि में आते हैं, और वो सृष्टि में आने के बाद अब जाकर देवचंद्र जी के अंदर कौन है? स्वयं देवापि के जीव हैं। और ये जब हम कहते हैं, लोग ये सोचते हैं कि शास्त्र को मानना नहीं चाहिए। आजकल के पीढ़ी ऐसा हो चुका है कि शास्त्र को अध्ययन नहीं करते, वो शब्द प्रमाण को नहीं मानते। लेकिन दर्शन शास्त्र क्या कहता है? शब्द प्रमाण को हमें क्यों मानना चाहिए? प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं? 3-4 प्रकार के बताए गए हैं दर्शनों के शास्त्रों के अनुसार। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण तथा उपमान प्रमाण। प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है सामने, जो आँखों के द्वारा दिखाई देता है, इंद्रियों के माध्यम से दिखाई देता है, उसी प्रकार से अनुमान, जैसे बादल को देखने से वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार अनुमान प्रमाण कहा जाता है। उपमान प्रमाण उसको कहते हैं जहाँ पे, जैसे
हम एक गाय को दर्शाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ हमें गाय का ज्ञान है, लेकिन जंगलों पे भी एक गाय मिलता है, लेकिन वो गाय कौन सा है? वो गाय है नील गाय। लेकिन जब हमें पता नहीं नील गाय के विषय में, तो हम क्या कहते हैं? उसका भी चार पैर है, उसका भी दो सिंह है। हाँ, उसी प्रकार से वो जंगल में रहने वाला गाय भी है। तब जाकर एक व्यक्ति को पता चलता है कि हाँ, वो गाय का जैसा ही एक जानवर वहाँ पे है। तो वो हो गया उपमान प्रमाण। और जो शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण क्या है? जो शब्द के द्वारा बोला जाता है। लेकिन क्या सामान्य जन जो शब्द बोलते हैं उसको प्रमाण मान लिया जाता है? नहीं। जो आप्त पुरुष अर्थात जो ध्यान के अवस्था में, समाधि के अवस्था में जिन्होंने साक्षात दर्शन किया है, हाँ, उस चीज़ों को जब वो ऋषि मुनि शास्त्र में लिख देते थे, तब जाकर उनको क्या कहा जाता था? शब्द प्रमाण कहा जाता है। हाँ, उसी शब्द प्रमाण के द्वारा आज हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि कौन आने वाले देवापी जो देवचंद्र जी के अंदर हैं, और जो स्वयं मिहिरराज जी के अंदर भी एक जीव आने वाले। अब यहाँ पे आप देखें कि आज इस समय पे कल्कि अवतार, स्वयं बुद्ध निष्कलंक अवतार, और हर कोई अपने आप को परमात्मा का दर्जा देने वाले आ चुके हैं। समाज में हम हर गुरु को देखते हैं और हर शिष्य को यही देखते हैं कि वो शिष्य अपने गुरु को ही परमात्मा मानता है, और गुरु स्वयं अपने को परमात्मा कहलाने में बहुत खुशी महसूस करता है। लेकिन वहाँ पे ना कोई शास्त्र है और ना कोई प्रमाण। लेकिन हमारे पास प्रमाण होते हुए भी हम उस प्रमाण पे विश्वास नहीं करते और हम उस प्रमाण पे नहीं चलते। तब जाकर हम आज और हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ है। लेकिन देवचंद्र जी हैं जो किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए, तो वो दिन रात अपने गुरुजी के पास सेवा करते हैं, और सेवा करने के बाद अब जाकर आगे क्या होता है? सेवा करे ना जना वही अपनी आत्म के कारण। तो जब भी वो सेवा करते थे, अर्थात वो छुप छाप के ही करते थे, जब भी वो अपने गुरुजी के पास जाते थे, अपने 3 बजे जब प्रातःकाल में वो उठते थे, वो स्वयं उस मंदिर को परिक्रमा करने के लिए जाते थे, और 3 घंटे तक परिक्रमा करने के बाद ही जब 6 बजता था तब गुरुजी के मंदिर में वो प्रवेश करते थे, तब जाकर वो गुरुजी के सेवा करते थे। लेकिन उससे पहले वो मंदिर का ही परिक्रमा करते होते थे। लेकिन गुरुजी को इस बारे में पता नहीं था। वो हरिदास जी हैं जो अनभिज्ञ थे। लेकिन एक दिन की बात है कि गुरुजी को कुछ आवाज़ सुनने में आता है, और गुरुजी जब हरिदास जी स्वयं बाहर देखते हैं तो वो पूछते हैं कि कौन है, वो कौन है जो बाहर चल रहा है, हिड़ चल रहा है। तब जाकर देवचंद्र जी कहते हैं कि मैं हूँ गुरुजी। तब उनको घर के अंदर बुलाने के बाद वो पूछते हैं, तुम इतनी रात में क्यों आ गए? तब जाकर इन्होंने यहाँ पे धामधनी कहते हैं कि वो सेवा को नहीं जना रहे, वो सेवा जो है वो दूसरे को नहीं कह रहे कि मैं सेवा करता हूँ। जिन सिद्ध सेवा की नहीं आखरे कछु बात, जिन शुद्ध सेवा की नहीं, जिसको सेवा की शुद्ध ही ना हो, जिसको कुछ समझ ही ना हो, उसको सुंदर साथ कहलाने के कोई लायक नहीं, इस प्रकार से इस चौपाई में बताया गया। लेकिन हम सुंदर साथ जिस प्रकार से सेवा का एक मुखटा ओढ़ते हैं कि हम सेवा करें, और सेवा किस प्रकार से करें, लेने को बुजुर्गिया, हम बुजुर्गिया लेना चाहते हैं, हम किसी और सुंदर साथ से या तो अपने गुरु के साथ ये चाहते हैं कि वो हमारे वाह वाही करे, जिसके कारण हमारी बड़ाई हो। लेकिन धामधनी यही कहते हैं, यही दुख का कारण है। लेने को बुजरे किया, क्या करते हैं वो चतुराई करते हैं, वो चैन लेते हैं, वो किस प्रकार से अपने बुद्धि को दौड़ाते हैं, और धीरे धीरे वो सेवा करते हैं, और सेवा करते हुए सेवा सिर्फ सेवा भी नहीं करते। धामधनी कहते हैं, खेचा खेच करत,
वो सिर्फ सेवा करते तो भी ठीक था, लेकिन एक दूसरे सुंदर साथ के खेचा तानी भी करते हैं, तब जाकर ये चीजें मुझे बहुत दुख देता। ये जो सेवा है, सेवा कौन कर सकता है? स्वयं धामधनी कह रहे हैं कि सेवा वो ब्रह्म मुनि ही कर सकते हैं जो स्वयं परम धाम से आए हैं। इस प्रकार देवचंद्र जी यहाँ पे अब अपनी जो सेवा है उसको छिपा रहे हैं। आगे तब एक सख को मारा बिच्छू ने जोर। तो इस प्रकार से जो घटना होती है सेवा की, सेवा करते ही वो आगे बढ़ रहे हैं। गुरु जी जो हरिदास जी हैं उनके अभी, वो कुछ ना कुछ उनको ज्ञान देते हैं, ब्रज की ज्ञान उनके पास है तो वो ब्रज के ही ज्ञान देते हैं। बाल मुकुंद और बाकी बिहारी का वो पूजन करते हैं तो किस प्रकार से उनका सेवा करना चाहिए वो बताते हैं, लेकिन जो ज्ञान गुरु के पास ही नहीं वो गुरु कैसे दे सकता है? गुरु स्वयं कीजिए जो अगम की देवे गम। यदि वो गुरु आपको और हमें उस अगम के विषय में ज्ञान ना दे सके, वो गुरु जो अज्ञात के विषय में हमें ज्ञान ना दे सके, वो गुरु नहीं बनाना चाहिए। वो गुरु जो हमें बेहद मंडल से जाके उस परम धाम का ज्ञान दे सके, उसी को हमें गुरु बनाना चाहिए, महामती जी कहते। तब यहाँ पे अब एक घटना होती है जहाँ पे एक व्यक्ति आता है रोते धोते उस मंदिर के पास, जहाँ एक बुच्छू के काटा हुआ व्यक्ति को वो लाते हैं। हरिदास जी और देवचंद्र जी वहाँ पे सेवा में कार्यरत होते हैं और तुरंत उनको बुलाया जाता है। जब उनको बुलाया जाता है तो देखने में वो आता है कि जो बिच्छू से काटा हुआ व्यक्ति है वो मरण अवस्था में है, लगता है कि थोड़ी देर में ही ये मर जाएगा। तब वो व्यक्तियाँ पूर्ण तरह से प्रार्थना करते हैं कि इनको बचाया जाए। कौन नहीं चाहता कि अपने प्रियजन को बचाया जाए? हर कोई चाहता है कि इस शरीर को हम सदैव रख सकें। यहाँ पे एक कहानी सूझी है। एक अलेक्जेंडर है द ग्रेट, इंग्लिश में यह आता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने इस भारतवर्ष में भी युद्ध करके जीतने की प्रयास किया। वो 16 बरस की उम्र में घर से निकला, 16 बरस की उम्र से उसने हत्या की, उन्होंने देश को जीतने का प्रयास किया और जीतते जीतते जब वो भारतवर्ष तक आ गए, उनका उम्र कहा जाता है 32 बरस का हो गया। जब 32 बरस, 16 बरस घर से निकले और 32 बरस के हो गए, उस समय के दौरान उनको ना घर था ना परिवार उनके साथ था। आज के ज़माने के जैसा ना आज कंप्यूटर है था उस समय, ना लैपटॉप थी ना ही नेट था, तो उस समय अपने परिवार के साथ वो कैसे वार्तालाप कर सके? लेकिन उस समय के दौरान अब वो थक रहे हैं, उनका शरीर ढल रहा है, 32 बरस के उम्र युद्ध करने के लिए थोड़ा कम हो रहा है, तो अब ये वो सोचते हैं कि जो शरीर है यदि वो हमेशा के लिए रह जाए तो बहुत अच्छी बात है और मैं पूर्ण विश्व को जीत सकता। तब जाकर वो एक उन्होंने एक कहानी सुना होता है कि भारतवर्ष में योगी मिलते हैं और वो योगी क्या कर सकते हैं, हजारों वर्ष तक जी सकते हैं, तो मुझे भी हजारों वर्ष तक जीना है। तो वो यही सोचकर अपने सैनिकों को भेजते हैं। सैनिकों को भेजने के बाद एक ऋषि जो तप कर रहे हैं, जो साधना में रत थे, उनको पकड़ लिया जाता है। उनको कहा जाता है कि तुझे हमारे सम्राट बुला रहे हैं। तब जाकर वो ऋषि आँख खोलते हैं और कहते हैं, मुझे तेरे सम्राट के पास नहीं जाना, यदि तेरा सम्राट मुझसे मिलना चाहता है तो वो सम्राट मेरे चरणों में खुद आए, तब जाकर मैं उससे मिलूंगा, वरना नहीं मिलूंगा। तब जाकर सैनिक अपना तलवार निकालते हैं और काटने के लिए तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि तुझे अब हम काट डालेंगे। वो ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो मेरा काम था मैंने कर लिया है, जो मुझे मुक्त होना था मैं मुक्त हो चुका हूँ, यदि सिर काट के तुझे खुशी मिलता है तो काट ले। तब जाकर वो सैनिकों को ऐसा लगता है कि सच में ये ऋषि पहुँचे हुए हैं। अब स्वयं सम्राट को बुलाया जाता है और सम्राट आकर वहाँ बैठते हैं। ऋषि कहते हैं, जीवन ज़्यादा जीने से कुछ फ़ायदा नहीं है,
जीवन सिर्फ जीने से कोई परमात्मा और परम तत्व मिलने वाला नहीं है, इसीलिए तू परमात्मा का खोज कर। लेकिन ज्ञान की बातें उसके उस बुद्धि में प्रवेश नहीं करता, वो कहता है नहीं मुझे अमर तत्व ही चाहिए। तब जाकर वो योगी कहते हैं जाओ उस मरुभूमि में जाओ जहाँ पे एक तुम्हें पानी मिलेगी, एक जल मिलेगा लोटे में, और उस लोटे का जल तुम यदि पी लोगे, यदि तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें अमर तत्व प्राप्त हो जाएगा। तब वो सोचते हैं कि मैं सैनिक को भेजूं, लेकिन सैनिक को भेजने से पहले फिर उनके बुद्धि में ये आती है यदि मैं सैनिक को ही भेज दूं तो सैनिक क्या करेंगे, सैनिक स्वयं भी पी सकते हैं, यही डर के कारण कि कहीं कल ना जाके वो मुझे ही मार दे, इसीलिए उस डर के कारण वो कहते मैं स्वयं ही जाता हूँ। तो जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे मरुभूमि में कुछ है नहीं, मरुभूमि में वो जाने के बाद उनको कुछ मिलता नहीं, बस मिलता है तो एक मरुस्थल, और वहाँ पे सिर्फ मिलता है तो एक दृश्य पानी का, और अंतिम में कहा जाता है कि उसी समय उनका मृत्यु आती है। तो वो अब क्या सोचते हैं, एक मृत्यु आ रही है उस समय में जब उनको लगता था कि मैं हमेशा के लिए जीऊँगा। अब तब जाकर कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि दो हाथ हमेशा मेरा जमीन के ऊपर ही रख देना, जिसके कारण सबको पता चले कि मैं राजा था जिसने इतना समय बिता दिया धन कमाने में, इतना समय बिता दिया जमीन कमाने में, और आज मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ, आज जो मेरा जीवन है वो व्यर्थ में ही जा रहा है। तो इसीलिए आज एक बिच्छू वाला व्यक्ति तो आया हुआ है, लेकिन उसको भी ये पता नहीं कि परम तत्व को प्राप्ति करना है, उसको परिवार को तक पता नहीं कि उस परम तत्व को शांति का खोज करना चाहिए, लेकिन वो इतना चाहते हैं कि जीवन मिल जाए। लेकिन सिर्फ जीवन होने से और चंद सांसों को आते और जाते देखने से हमारा जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसीलिए फिर भी यहाँ पे हरिदास जी हैं और देवचंद्र जी हैं जो दयावान हैं, जिनके पास कुछ सामर्थ्य है उस बिच्छू के डंक को ठीक करने का। तब हरिदास जी आते हैं, कुछ मंत्र मन ही मन पढ़ते हैं और तब जाकर मूछों पे हाथ देते हैं। एक बार करते हैं वो बिच्छू का थोड़ा सा जहर कम होता है, उसी प्रकार दो तीन बार करने के बाद अब उनका जो विष है जो व्यक्ति का वो ठीक हो जाता है और तुरंत उठ जाता है। सब जय जयकार लगाने लगते हैं, हरिदास को पैरों को चुमने लगते हैं। अब जाकर हरिदास जी सोचते हैं जो देवचंद्र जी इतना प्यारा मेरा शिष्य है, इतना मुझे सेवा करता है, तो लगता है कि जो इतना जनता मुझे पूछ रहा है उस मंत्र को मेरे शिष्य को भी देना ही चाहिए। तब जाकर अब वो देवचंद्र जी को बुलाते हैं और कहते हैं देखो किस प्रकार से जनता का भला इस एक मंत्र से हो सकता है, तो तुम न क्यों इस मंत्र को लेते, तो इस मंत्र को तुम लो और जनता का कल्याण करो। तब जाकर देवचंद्र जी क्या कहते हैं, सोए मंत्र कैसा है जो लाखों बिच्छू का दुख। तो वो मंत्र कैसा है, जो मंत्र आप देना चाहते हो वो मंत्र कैसा है, वो तो एक बिच्छू का ही डंक का विष निकाल सकता है। लेकिन पहले ही मैंने कह चुका, आप जब मुझे मंत्र देने वाले थे उस समय भी मैंने कहा था कि सिर्फ चिट्ठी में मंत्र डाल के आटे में डालने से कभी भी वो मंत्र नहीं जाएगा, जब मंत्र बलवान होगा स्वतः मेरे मन में धारण हो जाएगा। और आज फिर आप वही बात कर रहे हैं कि बिच्छू का जो मंत्र है, आपने ऐसा मंत्र मुझे दे चुके हैं जिससे जन्म और मरण के जो लाखों गुना बिच्छू का डंक है वो भी समाप्त हो जाएगा, और आप जो मंत्र मुझे देना चाहते हैं मैं उसके लिए कृतार्थ तो हूँ, लेकिन मुझे ये मंत्र नहीं चाहिए। आज हम सुंदर साथ भारतवर्ष में देखा जाए पौराणिकता चली हुई है, जिसमें भूत और पिशाचों का हम विश्वास करते हैं। हर कोई यही चाहता है कि परिवार में कोई दुख आता है, परिवार में कोई कष्ट आता है तो वो यही सोचता है किसी व्यक्ति के नज़र लग गया है,
किसी व्यक्ति ने भूत छोड़ दिया है और वो विश्वास के साथ अब कहाँ पे जाता है, वो भूत भगाने के पास जाता है। आज हमें उस गाड़ी पे और ट्रेन पे एक नंबर मिलता है जहाँ पे लिखा जाता है कि भूत भगाने और पिशाच भगाने के लिए ये नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। और ये जो भूत और पिशाच की बात हम करते हैं, क्या यहाँ पे जो बिच्छू का डंक है लाखों गुना, क्या वो जो भूत और पिशाच की बातें हम कर रहे हैं, क्या उससे कई गुना ये चीज़ें है या नहीं? भारतवर्ष की मैं बात कर रहा था, पौराणिकता है, राज्य के हम अर्धांगिनी हैं। ज़्यादातर में ने देखा है कि नेपाल की ये बात है कि नेपाल में इसी तरह का बातें होती हैं, स्वयं प्रणामी है, स्वयं निजानंदी है, लेकिन स्वयं राज्य के अर्धांगिनी होते हुए विश्वास भी करते हैं, लेकिन कभी भी अपने परिवार में कष्ट आता है तो वो उस देवी देवता के चढ़ने वाले माता के पास चल जाते हैं और उस माता का पूजन करते हैं और कहते हैं कि हमारे जो कष्ट है उसका निवारण कर दो। उनको एक परमात्मा के प्रति अब विश्वास नहीं है, भले उन्होंने तारतम्य ज्ञान लिया हुआ। तो इस प्रकार का जो समाज है, सिर्फ मंत्र लेने से कुछ नहीं होता। देवचंद्र जी यहाँ पे कह रहे हैं जो मंत्र लिया है उस मंत्र में विश्वास करना भी आना चाहिए। यदि मंत्र पे विश्वास नहीं है तो वो मंत्र कैसे कार्य करेगा? यदि तुम्हारा जो मन है, मन के हारे हार या मन के जीते जीत, यदि तुम्हारा मन ही इतना कमजोर हो चुका है तो तुम्हारा मन से जो शक्ति उत्पन्न हो सकती थी, तुम्हारे मन से जो मंत्र का वो वेग निकल सकता था, अब वो वेग क्या हो रहा है? नीचे नीचे गिर रहा है और तुमने उस मंत्र को भी नीचे गिरा दिया। आज देवचंद्र जी ने अपने गुरु को फिर से एक बार खुश कर दिया। फिर से उन्होंने ये जाना कि देवचंद्र जी के जो बुद्धि है वो मेरा जैसा नहीं है, वो मुझसे भी बड़े हैं और मेरे बुद्धि से भी वो तेज है। तो इसीलिए वो अब उनको अच्छा मानने लगते हैं। और आगे क्या होता है? तुम मोसो कहा कहत हो, क्या मांगत हो मुझसे। तो इस प्रकार से जब वो सेवा भी करते हैं और गुरुजी को खुश भी करते हैं, लेकिन जो परिक्रमा मंदिरों के आर पार हो रही थी, अब वो गुरुजी जो देवचंद्र जी के हैं अभी के लिए, उनको ये पता नहीं कि वो हर समय हर दिन उसी प्रकार से परिक्रमा करते हैं, लेकिन अब उनको पता चलने वाला है कि देवचंद्र सिर्फ एक दिन की बात नहीं, वो हर समय आकर मेरे मंदिर का परिक्रमा करता है, उनको ये पता चलता है। तब जाकर अब देवचंद्र जी को वो बुलाते हरिदास जी। हरिदास जी ये कहते हैं तुझे क्या चाहिए? तो इस प्रकार से जो मंदिर का परिक्रमा करता है, 6 बजे आकर मेरे कपड़े लत्ते कपड़े बर्तन धोता है, इस प्रकार से मंदिर का पोछा लगाता है, किस प्रकार से मैं तेरा सेवा का सहन कर सकता हूँ? यदि कुछ चाहिए तो बता, यदि चाहिए तो तेरे लिए कुछ भी देने के लिए तैयार। एक गुरु है अपने शिष्य से रिझने के बाद क्या कहता? लेकिन आज हम विद्यार्थी हैं, हम सुंदर साथ हैं, जो राज्य को रिझाने से पहले हम क्या चाहते हैं? हम रिझाने से पहले ही यही चाहते हैं कि हमें दर्शन मिल जाए। हम करना कुछ नहीं चाहते, कृपा माफक करनी हम ये कहते हैं चौपाई भी कि करने के बाद ही कृपा होगा और कृपा से ही करनी भी होगी, ये भी पता है, लेकिन हम वो करने करने के लिए तैयार नहीं। कथनी सबके मुख में है, कथनी का चौपाई भी हम वाणी के माध्यम से कह देते हैं, लेकिन वो करनी हम नहीं कर सकते। जो अदृश्य है, जो अव्यक्त है, उसको रिझाना बहुत कठिन है, लेकिन जो व्यक्त गुरु है उसको ही हम रिझा नहीं सकते। और रिझा भी ऐसे रिझाते हैं जो बाहरी दृष्टिकोण से ही, और जब वो बाहरी दृष्टिकोण से ही रिझाया जाता है तो हम सबको पता है कि मेहर अंदर होता है, ना कि मेहर बाहर के लिए। तो इस प्रकार जब धनिश्री देवचंद्र जी रिझाने के बाद अब उनको स्वयं हरिदास जी पूछते हैं
तो वो क्या मांगते हैं? क्या उन्होंने मांगा कि मुझे धन दे दो? क्या उन्होंने मांगा कि मुझे जो मंदिर है आपके वो दे दो? या उन्होंने मांगा कि मुझे आपका गद्दी चाहिए? उन्होंने ये कुछ नहीं मांगा, उन्होंने अपने मन ही मन सिर्फ इतना ही कहा होगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो मुझे अपने गुरु का साथ चाहिए। लेकिन वो गुरु है जो कुछ देना चाहते हैं, तो वो क्या देना चाहते हैं आगे कहते हैं। तब हरिदास जी ने कहिया, मैं तुम्हें देव बाल मुकुंद। तब स्वयं हरिदास जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं मांगते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी देने की इच्छा है तो इसीलिए आप अब क्या ले जाओ, बाल मुकुंद जी ही ले जाओ। बाल मुकुंद जी को ही आप अपने घर पे पधारना। घर में पधारने के बाद उनका जो परिक्रमा की करने की इच्छा है परिक्रमा करना, सेवा करने की इच्छा है सेवा करना, लेकिन अपने घर में ही करना। अब मैं तुम्हारी जो सेवा है उसको सहन नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए सुबह आ जाना, और सुबह आने के बाद मैं तुम्हें अब बाल मुकुंद जी का मूर्ति दे दूंगा। जब इस प्रकार से उनको कहा जाता है, देवचंद्र जी घर लौट जाते हैं। सुबह जब हरिदास जी उठते हैं, देखते हैं सेवा करने के लिए, तो बाल मुकुंद जी अपने सिंहासन पे नहीं है। अब वो घबरा जाते हैं कि किस प्रकार से एक बाल मुकुंद और बाके बिहारी जी का वो हमेशा सेवा करते हैं, और जो वादा मैंने किया था कि मैं स्वयं बाल मुकुंद जी को दूंगा, आज मेरा वचन अब क्या होने वाला है, मिटने वाला है, अब मैं गिरने वाला हूँ। इसलिए वो घबराते हैं, वो ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं, अपने परिवार से वो पूछते हैं कि कहाँ पे बाल मुकुंद जी कहाँ पे है। तो परिवार के लोग भी कहते हैं कि दरवाज़ा तो बंद ही था, कोई आने वाला नहीं है, बाल मुकुंद कहीं जा नहीं होंगे। लेकिन अब जो अदृश्य है, वो जो दिखाई ही नहीं दे रहा, हम क्या सोचेंगे। तो इस प्रकार से जब वो दुखी होते हैं, अब वहाँ पे देवचंद्र जी भी आ पहुँचते हैं। देवचंद्र जी जब वहाँ पहुँचते हैं, अब हरिदास जी निराश हैं। गुरु निराश होने के बाद एक शिष्य कैसे खुश रह सकता है। तब जाकर वो गुरु जी के पास पूछते हैं कि क्या हुआ। तो हरिदास जी कहते हैं कि जो वादा मैंने किया था उसको मैं निभाने में असमर्थ हूँ। जो बाल मुकुंद जी मैंने देने का वादा किया था, आज वो बाल मुकुंद जी मेरे पास नहीं है। तब देवचंद्र जी यहाँ क्या कहते हैं कि गुरु जी आपने जो वादा किया था वो तो निभाना ही चाहिए। गुरु जी आपने जो कहा था आप तो झूठे हो। इस प्रकार से वो वचन कहते तो उनका जो शिष्यत्व था, उनका जो आदर था, जो श्रद्धा था, वो मिट जाता। लेकिन वो कौन है, स्वयं श्यामा महारानी है, स्वयं ब्रह्म सृष्टि है, और जितना बड़ा आत्मा होगा, जितना बड़ा पद होगा, उतना ही क्या होगा, उसके अंदर विनम्रता होती है। विद्या ददाति विनय, और जिसके अंदर स्वयं विद्या धारण हो वो विनय कैसे नहीं हो सकता, वो विनम्रता का स्वरूप कैसे नहीं हो सकता। अब वो स्वरूप वो दिखा रहे हैं कि कितना विनम्र है वो। वो कहते हैं कि नहीं गुरुजी, जो मूर्ति, जो बाल मुकुंद जी गायब भी हुआ है, वो सिर्फ मेरे कारण से हुआ। हो सकता है मेरे अंदर ही वो खोट हो जिसके कारण से आज बाल मुकुंद जी अदृश्य हो गए। तो जब वो इस प्रकार का वचन कहते हैं, फिर भी वो गुरु हैं हरिदास जी जो मानने वाले नहीं। वो जो सेवा करते थे वो सेवा करने के लिए अब बाके बिहारी जी के पास जाते हैं, और बाके बिहारी जी का सेवा करते हैं। जब एकादशी भी नहीं है, और एकादशी जैसे ही वो वहाँ पे उपवास करते हैं, तो आगे क्या होता है। तहाँ आए बाल मुकुंद जी साक्षात दियो दर्शन। तो वहाँ पे बाल मुकुंद जी आते हैं और साक्षात दर्शन देते हैं। इतने चिंतन पे डूबे हुए हैं कौन, स्वयं हरिदास जी वहाँ पे चिंतन में डूबे हुए हैं। किसके चिंतन में, बाल मुकुंद जी के चिंतन पे। एक मूर्ति है बाल मुकुंद जी का, मूर्ति कभी भी दर्शन नहीं दे सकता, और हम समाज में हम हमेशा यही ज्ञान देते हैं। लेकिन यहाँ पे स्वयं
हरिदास जी को एक मूर्ति के बदौलत उनको यहाँ पे दर्शन हो रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है? यहाँ पे यही कहा जा सकता है, देश बंध्य चित्तस्य धारणा। योग दर्शन कहती है जब समाधि लगानी है तो उसका पग पग का अनुसरण करते हुए हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। अष्टांग योग है, लेकिन अष्टांग योग में भी तीन बहुत मुख्य पूर्ण है जो विभूति पाद में कह दिया गया है, जहां वो कह रहे हैं कि किसी एक ही विषय में यदि हम चिंतन करते रहें, एक ही स्थान पे हम चिंतन करते रहें तो क्या होगा, धारणा बनेगी, उसका हमें अब स्वरूप थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगेगा, वो मन में चिंतन होने लगेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे स्वयं हरिदास जी चिंतन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि कहाँ पे गुम हो गए, वो किस प्रकार से थे, मैं किस प्रकार से सेवा करता था और मैं कितना खुश होता था, वहाँ पे एक ध्यान की धारणा की प्रक्रिया बन रही। जब ये प्रक्रिया बन जाती है तब योग दर्शन आगे कहती है कि तत्र एकतांता ध्यानम, वहाँ कहा जा रहा है कि जब धारणा का स्थिति से भी जब आगे बढ़ते हैं तब जाकर वो धारणा के मुख्य बिंदु पर अब वो केंद्रित हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया, सेवा के विषय में सोचा, उन्होंने मूर्ति के विषय में सोचा, उन्होंने उस रूप के विषय में सोचा, अब वो सिर्फ बाल मुकुंद जी के ही चिंतन में लगे हैं और उसी में एक तांता ध्यानम अर्थात किसी और विषय में ना जाकर सिर्फ एक ही विषय में जब ध्यान लगना लग जाए तो उसी को ध्यान कहते हैं। तो वहाँ पे अब ध्यान की स्थिति भी बनती है और जब उनकी आंखें बंद है, बैठे हुए हैं और जब उन्हीं के चिंतन पे लग जाते हैं तब जाकर यहाँ पे वो दर्शन देने के लिए आते हैं। ऐसा कोई भी संभव नहीं कि सिर्फ हम बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि दर्शन मिल जाए और दर्शन हो जाए, एक प्रक्रिया बनाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे एक शरीर है बैठे हुए हरिदास जी, उन्होंने सुबह से क्या किया है, उपवास किया हुआ है, शरीर सात्विक भाव में आ चुका है और जब सात्विक भाव में हम हो और हम ध्यान के लिए बैठे तो हमारा ध्यान जल्दी लग जाता है। तो उसी प्रकार से भले चाहते ना चाहते हुए भी एक परिचय देना है, एक श्यामा महारानी के वहाँ पे परिचय देना है और देवचंद्र जी कौन है ये बताना है, इसीलिए ये कारण बना है, तब जाकर हरिदास जी को यहाँ पे दर्शन होता है। वो कहते हैं सो तुमको इनकी स्वरूप की भय नहीं पहचान, सो इन स्वरूप की भय नहीं पहचान। तो यहाँ पे धामधनी के इच्छा के द्वारा यहाँ कार्य हो रही है, स्वयं बालमुकुंद जी आए हुए हैं दर्शन देने के लिए, हरिदास जी ये देखते हैं कि बालमुकुंद जी मुझसे बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जो स्वरूप से तुम सेवा करवा रही हो उन स्वरूप से तो मैं भी क्या सेवा नहीं ले सकते, जो तुम चाहते हो कि मेरे जो बालमुकुंद की मूर्ति वहाँ पे पधराया जाए मैं वो भी नहीं चाहता और उसका सेवा मैं नहीं ले सकता। यहाँ पे ये बात दर्शाई गई है कि किस प्रकार से एक स्वरूप आके यहाँ पे दर्शन दे रहे हैं। बालमुकुंद जी कौन है, 11 वर्ष और 52 दिन तक जो हम स्वयं प्राणनाथ जी ने लीला किया है बताते हैं, वो स्वयं बालमुकुंद जी है और बालमुकुंद जी ही आकर यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि मुझे आकर उनको पास मत भेजिए, इसीलिए ही कह रहे होंगे क्योंकि वो उनके पास अब वो शक्ति नहीं रह गए, वो तो अखंड हुए हैं और अखंड होने का कारण भी कौन है, स्वयं धामधनी है और स्वयं श्यामा जी महारानी है जो राज्य के अहलादिनी शक्ति है। तब जाकर बालमुकुंद जी यहाँ पे आकर कह रहे हैं कि मैं इनकी सेवा ना सह सकूँ, ना सह सकूँ एहसान। तब जाकर अब हरिदास जी को इस समझ में आता है कि क्यों वो गायब हुए हैं, किस प्रकार से वो गायब हुए हैं। तो वो पूछते हैं तो अब आप कहाँ पे हो, तो यहाँ पे जवाब मिलता है सिर्फ मैं अदृश्य हुआ था, मैं कहीं गया नहीं था,
तब उनकी आंखें खुल जाती है और दौड़ के वो पहुंचते हैं अपने मंदिर पे और ये देखते हैं कि सामने ही वो बालमुकुंद जी आए हो, तब जाकर वहाँ पे खुशहाली का माहौल बनता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम ये जाने कि मूर्ति पूजा करना चाहिए या नहीं, मूर्ति क्या है, मूर्ति में किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है और किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद हम ये सोचते हैं कि उस मूर्ति में स्वयं भगवान आए। शुरुआत है पत्थर से हम करें। एक पत्थर पहाड़ से टूट के गिरता है, टूटकर गिरने के बाद वो पत्थर किसी व्यक्ति के पास जो बिजनेसमैन है उसके पास आता है। वो पत्थर उठाता है, देखता है कि ये पत्थर घर में लगेगा, फ्लश पे लगेगा या ये मूर्ति बनने का लायक है। जब ये निश्चय कर लिया जाता है उसका दाम उसी प्रकार से बढ़ता और घटता है। अब जाकर वो पत्थर गाड़ी पे ढोया जाता है और जाकर कारीगर के पास वो पहुंचता है। वो पत्थर को अब वो कारीगर क्या करता है, धीरे धीरे अपने कला के माध्यम से वो एक रूप देता है, एक सुंदर रूप देता है, एक मुकुट बनाता है। जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णन किया है पुराण में, उसी प्रकार से उसको वर्णन कर दिया जाता है और एक सुंदर मूर्ति को अब कलर और किस प्रकार से रख दिया जाता है जिससे हर कोई व्यक्ति उसको खरीदने के लिए तैयार। वो कला के दौरान वो उस मूर्ति के नीचे पैर भी दबाता है और अनेकों चीज़ें उसी के सामने भी खाता है। तो इस प्रकार से फिर भी वो मूर्ति कुछ नहीं कर पाती, अपने सुरक्षा नहीं कर पाती। लेकिन अब जब उसका रंग लग गया, जब उसका रेट फिक्स हो गया, अब कोई खरीदता है। क्यों? क्योंकि उसको पाप से मुक्त होना है, उसको गंगा में वो मूर्ति को बहाना है जिसके कारण वो मोक्ष को प्राप्त कर सके। अब वो उस मूर्ति को उठाता है और मंदिर में किसी पुजारी को देता है और कहता है कि इसका प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाए। जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए कह दिया जाता है, कर्मकांड में जो मंत्र है वो यजुर्वेद से लिया जाता है, यह प्राण तो निमिषतो करके अनेकों मंत्र है जिससे, ये तो यज्ञ का एक छोटा सा मंत्र है जिसमें प्राण की बात कही गई है, लेकिन यजुर्वेद में अनेकों मंत्र है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा करने का कहा गया है। लेकिन यदि हम देखें उसके अंदर भी अर्थ लगाएंगे तो प्राण प्रतिष्ठा करने का नहीं बल्कि उस परमात्मा की बात हो रही थी। लेकिन अब पुजारी जन वहाँ पे शुद्ध करने के लिए उस मूर्ति को धोते हैं, दूध खिलाते हैं, घी पिलाते हैं और उस मूर्ति को जब अनेकों चीज़ें करने के बाद कहा जाता है कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गया है और तब जाकर एक मंदिर पे स्थापित कर दिया जाता है और जो पूजन करने के लिए आते हैं वो अब पूजने लगते हैं, पैसा देने लगते हैं और उसी पत्थर जो गिरा हुआ था पहाड़ से उसमें माथा टेकते हुए यही कहते हैं कि भगवान हमें दुख से मुक्ति दे दे, मैं 5 रुपया चढ़ाऊंगा तो मुझे करोड़ों का मालिक बना दे। हम कितना मूर्ख हो चुके हैं कि हम एक 5 रुपये देकर वो भी एक पहाड़ से गिरा हुआ पत्थर को और हम सोच रहे हैं कि भगवान हमें कुछ दे दे तो क्या हमें कुछ मिलने वाला है या नहीं। बिल्कुल हमें कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ध्यान से, मिलेगा तो चितवनी से और मिलेगा तो वो सत्य ज्ञान से जिसके बदौलत आज यहाँ पे ज्ञान की चर्चा हो रही। तो इस प्रकार से हम उस मूर्ति को जाने, उस मूर्ति से ऊपर उठ के उस परम तत्व को जाने, तब जाकर हम भी अब देवचंद्र जी की भांति ही आगे बढ़ सकते हैं। तब कहिया हरिदास जी ने चलो दर्शन करावे हम। तब जाकर जब उनके स्वरूप की पहचान हो जाती है और जब उनको बालमुकुंद जी मिल जाते हैं तब वो सेवा करने के बाद तुरंत दौड़ते हैं कि देवचंद्र जी कहाँ पे हैं, देवचंद्र जी किस प्रकार से वो आ रहे हैं। कि धीरे धीरे वो मंद गति में हर तरफ देखते हुए अब गुरुजी के पास आ रहे हैं।
वो गुरु जी हैं हरिदास जी, अब दौड़ के आते हैं और उनके चरणों पे गिर जाते हैं। गिरने के बाद वो यही सोचते हैं कि किस प्रकार मैंने इन स्वरूप का पहचान ना करते हुए मैंने सेवा करवाई थी, और तब जाकर वो माफ़ी मांगते हैं और हरिदास जी को देवचंद्र जी कहते हैं कि गुरु जी आप ये क्या कर रहे हैं। कोई भी ये शिष्य नहीं चाहेगा कि वो गुरु जो हमें अध्ययन कराता है, वो गुरु जो हमें मार्गदर्शन कराता है, वो स्वयं हमारे नीचे आए, हमारे पैर छुए। हम शिष्य को भी यही सोचना चाहिए कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, जिस शिष्य अपने गुरु का नहीं बन सकता, वो किसी समाज का नहीं बन सकता, और समाज में जाने के बाद भले ही वो ज्ञान को त्याग दे, भले ही वो अनेकों वस्त्र शस्त्र और धन कमा ले, लेकिन उसका मन हमेशा शून्य रहेगा और उसको परम तत्व का जो मेहर है वो कभी हो नहीं सकता। तब यहाँ पे गुरुजी को उठाते हुए वो यही सोच रहे हैं कि गुरुजी आप क्या कह रहे हैं। तब वो सब वृत्तांत बता देते हैं कि बालमुकुंद जी ने किस प्रकार उनको दर्शन दिया, किस प्रकार उनको उनके स्वरूप की पहचान हुए, लेकिन उनको कोई अहम भाव नहीं है। वो कहते हैं कि बालमुकुंद जी का यदि मूर्ति मिल चुका है तो हम भी जाकर उनका पूजन करते हैं और हम भी दर्शन करेंगे। तो दोनों ही अब साथ में जाते हैं, दोनों ही उपवास किए हुए हैं, अब जाकर वो प्रसाद लेते हैं, और प्रसाद लेने के बाद अब घटना आगे बढ़ती है। दो जने बातें करे खुशाले हुए के मन। तो इस प्रकार से जब देवचंद्र जी अब हरिदास जी से जो सीखना था वो सीख चुके हैं, देवचंद्र जी के पास जो ज्ञान आना था वो आ चुका है, अब धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अब वो ज्ञान लेते हुए अब जो बाकी बिहारी जी कह रहे थे, अब जो बालमुकुंद जी वहाँ पे दर्शन देकर हरिदास जी को कुछ समझाए थे कि यदि बालमुकुंद जी का जो मूर्ति का वादा है तूने किया है और देवचंद्र जी यदि रुठ जाते हैं तो उनको बाकी बिहारी जी के वस्त्र दे देना, लेकिन मेरे जो स्वरूप है, जो रूप है, मूर्ति है, उसको कभी मत देना। तब हरिदास जी उनको अब अपना वस्त्र देते हैं, जो बाकी बिहारी जी का वस्त्र अब अपने सिर पे धारण करते हुए अपने घर पे पधारते हैं, घर में वो रख के उनका सेवा पूजा करते हैं। और सिर्फ सेवा पूजा ही नहीं करते, वहाँ पे कहा जा रहा है कि वो चितवनी भी करते हैं। जब चितवनी वहाँ पे हो रही है तब एक दिन की बात है कि वहाँ पे जाकर अब उनको ध्यान पे दर्शन होता है। बालमुकुंद जी वहाँ पे दर्शन देने के लिए तैयार है, वो ब्रज की उस धाम पे चले गए हैं जहाँ पे स्वयं उन गोपियों ने लीला किया था, उन ब्रह्म मुनियों ने जिस प्रकार से लीला किया था, अब स्वयं अपने आप को इस पुरुष भाव से अलग समझते हो। उस योग माया के ब्रह्मांड में वो पुरुष तत्वों के भाव से हम कभी नहीं पहुंच सकते, हमें लेना पड़ेगा। तो वाणी कहती है अबला, अबला की जो रूप है, जो स्वरूप है, अपने अंदर बिठाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है जब तक हम आत्मिक भाव ले के उस धाम की, उस ब्रज की चिंतन नहीं करेंगे तब तक हम उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते। आज देवचंद्र जी स्वयं को, अब वो स्वयं श्यामा जी हैं तो अपने आप को राधा ही मानेंगे, तो राधा के रूप में अब वो कहाँ पहुंचते हैं, स्वयं ब्रज में पहुंचते हैं। ब्रज में अब वहाँ पे उनकी सास है, वो सास के रूप में किसको देख रहे हैं, स्वयं यशोदा मैया वहाँ पे कुछ कार्य कर रहे हैं, दूध उबालने के कार्य कर रहे हैं, कुछ और कार्य कर रहे हैं। जब यशोदा मैया के पास पहुँचती है तब राधा जी कहती हैं देवचंद्र जी कि मैया कृष्ण जी कहाँ पे, क्या देवचंद्र जी कृष्ण जी को ढूंढ रहे, क्या स्वयं देवचंद्र जी जिसके अंदर, यहाँ पे पहले हम कह चुके हैं बालमुकुंद जी क्या कह रहे हैं, हमें जो स्वरूप है उसका सेवा में सहन नहीं कर सकता, और अब स्वयं देवचंद्र जी हैं जिसके अंदर श्यामा जी हैं, वो जाके फिर से किससे मिल रहे हैं,
फिर से यहाँ पे बाल मुकुंद जी से ही मिल रहे हैं, लेकिन उस बाल मुकुंद जी के अंदर कौन है ये विचार करना ही होगा कि उस बाल मुकुंद जी के अंदर जब वो जा रहे हैं राधा के रूप में, तो कृष्ण जी के अंदर अब स्वयं धामधनी बैठकर लीला कर रहे हैं। तब जाकर वो अपने आप को राधा कह रहे हैं और वो क्या है, श्याम है। तो अब जब वो पूछते हैं कि वहाँ पे कृष्ण जी कहाँ है, तब वो कहते हैं कृष्ण जी तो वन में खेलने के लिए गए हैं, तुम यहाँ पे कुछ भोजन कर लो। लेकिन राधा का मन हमेशा कृष्ण में ही लगा रहता है, इसीलिए वो इतना भी विलम्ब करना नहीं चाहती कि मैं अपना समय बर्बाद करूँ। इसलिए वो कहती है कि नहीं, मेरा मन तो उसी तरफ, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन यशोदा मैया रुकती है और कुछ उनको खाने के लिए मिठाई वगैरह दे देती है और बांट के खाने के लिए वो कहती है। जब वो मिठाई वगैरह लेकर चलती हैं तो ग्वाल बाल वन जंगल में दिखाई देने लगते हैं। वो अब राधा रानी वो पूछ रही हैं कि ग्वाल बालों से कि वो कृष्ण कन्हैया कहाँ पे है। तब वहाँ पे वो ग्वाल बाल कहते हैं, कौन कृष्ण? आप सोचिए, यहाँ पे एक फिर से कहा गया है कि कौन सा कृष्ण तुम बात कर रहे हो। कृष्ण तो अनेकों का नाम हो सकता है, एक व्यक्ति का नाम नहीं कृष्ण। वहाँ पे हर मंडल पे, हर उस समूह पे एक कृष्ण है, तुम किस कृष्ण के विषय में बात कर रहे हो? अब वहाँ पे उनको दर्शना पड़ रहा है नंद का बेटा कृष्ण। तब वो फिर से ग्वाल बाल मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नंद का बेटा कृष्ण भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, तुम कौन से कृष्ण कन्हैया के विषय में बात कर रहे हो? तब अब जाकर वो कहते हैं कि यशोदा मैया की लाला से मुझे मिलना है। तब स्वयं वहाँ पे धनी अब मुस्कुराते हुए बुलाते हैं राधा रानी को और वो अपने पास बिठाते हैं। और पास बिठाने के बाद जो भोजन लाया गया है, जो वो बांटने के लिए तैयार करते हैं, तैयारी के समय दो तीन भाग और समूह में दे दिया जाता है। उसी समय पे ये कह दिया जाता है और बातें करने लगते हैं कि किस प्रकार से जो घटना हो रही है। देवचंद्र जी से अब स्वयं धामधनी प्यार से बातें कर रहे हैं। तो वो बातें होने के बाद अब जो ध्यान की स्थिति है, वहाँ पे घुंघरी का प्रसंग आता है जो आज के दिन में है। घुंघरी वहाँ पे बन रहा होता है, ग्वाल बाल वो बना रहे होते हैं, तो वही घुंघरी प्रसाद के रूप में रखा जाता है। थोड़ा सा चना रखा जाता है और वो मिठाई रख दिया जाता है। तो उस प्रकार से अब स्वयं धामधनी कृष्ण जी के रूप में अभी अपनी राधा को कह रही हैं कि कुछ खा लो, शुरुआत कर लो। तब जाकर जब क्या होता है, श्री देवचंद्र जी आप आरोगे फिर ध्यान से चौके सोए। तब जाकर जब वो आरोगने के लिए थोड़ा सा हाथ बढ़ाते हैं ऐसा कहा गया है, तब जाकर उनका ध्यान टूट जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ध्यान की स्थिति में वो थे, जो चितवनी वो कर रहे थे, वो किस प्रकार से हुआ, ब्रज की स्थिति में वो गए और किस प्रकार से कृष्ण जी अनेक है वो बता दिया गया। वो कृष्ण जी सिर्फ नाम है ये भी बता दिया गया और नाम के अंदर छिपा हुआ उस स्वरूप को ढूंढना चाहिए ये भी बता दिया गया। इतने छोटे से क्रम में इतना सरल तरीका से अपने स्वरूप का पहचान देके जब उनको ये सब कुछ बताने के बाद अब आरोपने के लिए जब कहा जाता है तो वहाँ पे उनकी उंगली हिलती है, इस प्रकार से वर्णन आता है। तब उनका ध्यान टूटता है। ध्यान में जब हम बैठते हैं, स्थिर सुखम आसनम, आसन क्या है, जब ध्यान में बैठते हैं तो स्थिरता पूर्वक किसी भी आसन में बैठा जाए उसी को क्या कहते हैं, एक स्थिर सुखम आसनम, जो सुख देता है, सुख पूर्वक बैठने को ही हम ध्यान कहते हैं, मतलब आसन कहते हैं। तो उस आसन में बैठने से तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, यम और नियम का जो पालन किया यदि होगा तो यम और नियम के बदौलत जो हमारे अंदर विश्वास आया होगा,
जो आत्मशक्ति प्रदान किया होगा, और यदि हमारे अंदर वो ज्ञान है और वो प्रेम है, तो यदि उस प्रेम के बदौलत अब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तक हम पहुंच सकते हैं। तो शुरुआत में जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, यहाँ पे ध्यान का महत्व भी दर्शाया गया है कि एक उंगली भी हिलती है तो हम अपने ध्यान से भंग हो सकते हैं। जो हमारा आत्मा का सुरता लगा हुआ है वो वापस फिर से इसी मृत्यु लोक में आ सकते हैं। लेकिन हम सुंदर साथ, हम जो बाहरी देखते हैं आज का ध्यान किस प्रकार से हो रहा है, वहाँ ऋषिकेश में योग दिवस मनाया जाता है साल के एक बार, अनेकों विद्यार्थी गुरुकुल कांगड़ी से भी जाते हैं, अनेकों विद्यार्थी अनेकों स्थान से भी आते हैं। वहाँ पे ध्यान करने के लिए एक कमरा दिया जाता है और ध्यान हर एक किसी का अलग अलग है। और एक स्थान पे मैं भी जाकर देखा था तो वहाँ पे ध्यान करने से पहले डांस हो रहा था, और डांस भी भजनों पे नहीं, डांस हो रहा था गानों पे, फिल्मी गानों पे। तब जाकर वो ध्यान पे बैठते हैं। आप ही सोचिए, जो व्यक्ति ध्यान करने से पूर्व जो सुन रहा है वो ध्यान में आता है या नहीं? जो ध्यान में हम बैठते हैं, कईयों समय पूर्व किया हुआ कार्य तो जब हमारे मन में आता है तो वो जो नाचगान है वो कैसे नहीं आ सकता? और किस प्रकार से हम आज योग मनाते हैं, हम कहते हैं कि हम भारतवर्ष योग सिखा रहे हैं, लेकिन वो हमारे योग के, वो हमारे ध्यान को कलंक कर रहे हैं। लेकिन हम जो तारतम की ये ज्ञान है, वो चित्वनी का जो माध्यम है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मन से उठते हुए, चित्त से उठते हुए और बुद्धि से परे होते हैं, जब अहम को भी, अपने अहमता को भी पार कर लेंगे, जब स्थिरता शरीर पे होगा तब जाकर मन स्थिर हो सकता है, और तब जाकर हम योग माया के ब्रह्मांड से ब्रज और रास की लीला को देखते हुए, तब जाकर अक्षरधाम को पार करते हुए, यमुना जी को भी वहाँ पे स्नान करते हुए, अब जाकर हम मूल मिलावे में जा सकते। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक ना पीछे फेरियो जो इश्क अंग उपजत। तो धाम धनी यही कह रहे हैं कि जो सुरता अब हमें लगाना है वो मूल मिलावा पे है, लेकिन यदि हम देवचंद्र जी के जैसे ही एक उंगली हिलाने का कष्ट करते हैं तो हमारा मन समझ लेना चाहिए कि विचलित है। हमारा मन को शांत करने के लिए हमें शरीर शांत रखना ही पड़ेगा। तो ध्यान के इस पूर्व की स्थिति में जाने के लिए गीता कहती है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य योगो भवति दुखः। यदि किसी को ध्यान करना है, इस दुख रूपी संसार से मुक्त होना है, तो उसको क्या करना होगा? युक्त आहार करना होगा। जो आहार आज हम खा रहे हैं वो ठीक मात्रा में है या नहीं? भले ही सात्विक खा रहे हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा? तामसिक हो जाएगा। उसी प्रकार से जो स्वप्न हम लेते हैं अर्थात निंद्रा हम लेते हैं, वो कहीं 5 घंटे से ऊपर तो हम नहीं ले रहे। तो इस प्रकार से यदि ज़्यादा निंद्रा लेंगे तो भी आलस्य बना ही रहेगा, और कम लेंगे तो भी हमारा नींद पूरा ना होने के कारण हम कभी भी ध्यान में बैठ नहीं सकते। और उसी प्रकार से यदि हम परिश्रम पुरुषार्थ भी करते हैं, खेतों में काम भी करते हैं और ज़्यादा करते हैं, तो शरीर का थकावट के कारण हम बैठ नहीं पाएंगे। और यदि हम सुस्ताते रहे, दिन भर लेटे रहे, तो भी हमारा ध्यान कभी हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से हमेशा हमें क्या करना चाहिए? एक मध्यम मार्ग को ले जाना चाहिए, इस शरीर को संतुलित रखते हुए, तब जाकर हम चित्तवनी और ध्यान में बैठ सकते हैं। और तब जाकर जिस प्रकार धनी श्री देवचंद्र जी यहाँ पे ब्रज में दूसरी बार अब यहाँ लीला हो रही है, पहला दर्शन हुआ रेगिस्तान में और दूसरा दर्शन हो रहा है हमारे ब्रज के में, तो उस प्रकार से अब 2 दर्शन हो चुके हैं। अब लगता है जब ध्यान से वो उठ जाते हैं,
कि यही वो स्वरूप है, वही ये मेरा परमात्मा है जिससे मेरा नाता है, तो इन्हीं स्वरूप का चिंतन करते हुए अब भोग लगाते हैं, इन्हीं चिंतन का स्वरूप का वो ध्यान करते हैं, तब वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कहा जाता है, महामति कहे ए साथ जी ए इतके कहे बयान। तो इस प्रकार से महामति जी कह रहे हैं कि ये जो दर्शन, ये जो भोजनगर की बीतक है, वो ही इसी प्रकार से हो रहा है। श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कहो पहचान। तो इस प्रकार से अब धनी श्री देवचंद्र जी के जो नेक पहचान कहा गया, अर्थात थोड़ा सा हमने पहचान दिया कि वो कौन है, वो सब शिरोमणि कहा गया है, सब संयामिने शिरोमणि, वो कौन है धनी श्री देवचंद्र जी, स्वयं ब्रह्म सृष्टियों में वो आनंद अंग है और वो संयाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है जो हमारे मार्गदर्शन करने के लिए इस धरती में आए हैं और वो इतना कष्ट झेल रहे हैं। तो इस प्रकार से आज इस समय में हमने थोड़ा सा ही पहचान कहा है, अब कल हम उनके और से विस्तार से वर्णन करेंगे किस प्रकार से उनका तीसरा दर्शन होता है, साक्षात धाम धनी आके वो किस प्रकार से दर्शन करते हैं और क्या क्या बातें होती है, तो वो हर चीज़ हम कल के उस चर्चा में सुनेंगे। आज हम अपना वाणी इसी समय विराम करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे चौपाई दो रहेंगे। श्री महामति कहे ए साथ जी ए इतके कहे बयान। श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कहो पहचान, नेक कहो पहचान।